वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो 31 मई के करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सेक्शन है नेशनल और स्टेट न्यूज का। इसमें हमारी पहली न्यूज है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट, जो उत्तराखंड की सरकार है, उसने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नाम से एक स्कीम लॉन्च की है, जो कि माइग्रेंट्स के लिए है, प्रवासी लोगों के लिए है जो दूसरे राज्य से उत्तराखंड में आ रहे हैं। अब इससे मिलती जुलती ये स्कीम उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की थी, कल हमने पढ़ा था, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अलग अलग याद रखनी है। दूसरी बात, उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड से क्या क्या स्टैटिक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है आपसे कि यहाँ के सीएम कौन है, सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्या, और कैपिटल क्या है, देहरादून। ध्यान से याद रखिएगा, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, प्रवासी लोग हैं, उनको रोजगार मिले सके अपने ही स्टेट के अंदर, अपने ही राज्य के अंदर, दूसरे राज्यों में उनको ना जाना पड़े, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश ने IIA और नार्डेको, इन दोनों के साथ मिलके भी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, कल हमने पढ़ा था, स्कीम लॉन्च की थी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश ने जो माइग्रेंट कमीशन है उसको भी बनाया था, जिसके तहत है कि अगर किसी राज्य को उत्तर प्रदेश से लेबर चाहिए तो उसको उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आपको इन चीजों को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग तरीके से याद करना है, सो दैट एग्जाम में आप कंफ्यूज मत हो, और अच्छे से रिपीट कर लोगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने, उसने भी रोजगार सेतु नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये भी स्किल्ड वर्कर माइग्रेंट्स के लिए है। तो ऐसे माइग्रेंट जो स्किल्ड हैं और दूसरे राज्य से आ रहे हैं, मतलब कि ऐसे प्रवासी जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं और कुशल हैं किसी ना किसी काम के अंदर, तो उनको रोजगार सेतु की मदद से रोजगार देने का प्रावधान किया जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से। अब मध्य प्रदेश ने जो ये स्कीम लॉन्च की इसका नाम क्या है, रोजगार सेतु। उत्तराखंड ने जो लॉन्च की उसका नाम क्या था, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। कंफ्यूज मत हो के इनको उल्ट पुल्ट कर देना, ठीक है, याद रखना कौन सा किससे लिंक्ड है, और रोजगार से तुम्हें स्किल्ड वर्कर्स को ही मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। एमपी की बात आई है, मध्य प्रदेश में सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं और लालजी टंडन गवर्नर हैं, और भोपाल है कैपिटल। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है हमारी, तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से। तमिलनाडु की सरकार है जो, उसने 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया है ताकि नई जॉब्स हैं जो उसकी उसको जनरेट कर पाए हम, विलेजेस गांव के अंदर नई जॉब का सृजन किया जा सके, सो दैट लोगों को रोजगार मिल सके। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि तीनों ही न्यूज है जो वो जॉब जनरेशन से रिलेटेड है। एक है उत्तराखंड की जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, दूसरी है मध्य प्रदेश की जिसका नाम क्या है, रोजगार सेतु, तीसरी है तमिलनाडु की जिसका जिसने क्या किया, विलेज गाँव में जो जॉब्स मिल सके, वहां पे सृजन हो सके नई जॉब्स का, इसके लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु की बात आई है, तमिलनाडु के सीएम कौन है, एडापड़ी के पलनी स्वामी जी, और जो गवर्नर है वो कौन है, बनवारी लाल पुरोहित जी, और कैपिटल क्या है, चेन्नई। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी कि LIC है, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसने नेक्स्ट जनरेशन विकलांगी केंद्र नेटवर्क, इनके साथ मिलकर माइक्रो इंश्योरेंस बेचने का फैसला लिया है। मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन विकलांगी केंद्र नेटवर्क पर माइक्रो इंश्योरेंस भी अवेलेबल रहेंगे, जो LIC की तरफ से होंगे। अब नेक्स्ट जनरेशन विकलांगी केंद्र नेटवर्क है क्या, ये इनके बहुत सारा एक नेटवर्क है पूरे देश के अंदर, जिसके थ्रू ये बहुत सारी सर्विसेज है जो उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो अर्बन एरिया हो, सेमी अर्बन हो या रूरल हो। और इनका टारगेट ये है कि जो लास्ट गांव है भारत का, या जहाँ पे लास्ट पोस्टल कोड्स है, वहां तक पहुंच के सारी सर्विसेज उन तक पहुंचाना, स्पेशली अगर वो इकोनॉमिक रिलेटेड सर्विसेज हो, तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं, राइट। तो LIC की बात आई है, LIC के चेयरमैन कौन है, MR कुमार जी, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर, और 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई थी। विकरांगे की बात आई है, विकरांगे नेटवर्क का जो जो उनकी स्थापना 1990 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, और हेड अभी इनके क्या है, दिनेश नंदवाना जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो नेवल बेस है नेवी का, जिसका नाम है INS कलिंगा, वहां पे एक अग्निप्रस्थ नाम से मिसाइल पार्क बनाया जा रहा है। अब ये जो पार्क है, ये किस चीज को डेडिकेट होगा, किनको डेडिकेट किया जाएगा, जो ऑफिसर्स हैं, सेलर्स हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ हैं
INS कलिंगा के, उनको ये डेडिकेट किया जाएगा। ये जो INS कलिंगा का नेवल ब्लेस है, ये ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर आता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मिसाइल पार्क का नाम दिया गया है, नाम इसका प्रॉपर जो रखा गया वो क्या है, अग्निपथ, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये जो पूरा पार्क बनेगा, इसमें सबसे अट्रैक्शन वाली चीज क्या रहेगी, P-70 अंडर वाटर शिप, एंटी शिप मिसाइल है जो, वो सबसे अट्रैक्टिव रहेगी। ये 1988 से लेकर 1991 तक नेवी के अंदर कमीशन थी। इसके बाद जो इन्होंने कहा है कि यहीं पे पार्क के अंदर ही 2 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट भी लगाया जाएगा। अब ये 2 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट है जो जो भारत सरकार की 100 गीगावाट सोलर पावर का लक्ष्य है उसके अंतर्गत लगाया जाएगा। एक्चुअल में भारत सरकार का लक्ष्य है कि 100 गीगावाट सोलर पावर को की कैपेसिटी बनानी है भारत के अंदर 2022 तक, तो उसके अंतर्गत ही ये लगाया जा रहा है। अब ये जो पूरी कैपेसिटी जनरेशन का सिस्टम है, ये कौन से मिशन के अंडर है, नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था कि 100 गीगावाट सोलर पावर की पावर वाला भारत बनाना है 2022 तक। जो ये नेशनल सोलर मिशन है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसको 2010 में लॉन्च किया गया था। ये नेशनल सोलर मिशन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC जिसके नाम से जाना जाता है जिसको, उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। दोबारा समझा देता हूं कि जो एक नेश देखिए पहले मेन न्यूज क्या है कि अग्निप्रस्थ है जो मिसाइल पार्क, उसको आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया जा रहा है INS कलिंगा बेस के ऊपर। अब इसके अंदर ही 2 मेगावाट का एक सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट लगा दिया। ये प्लांट किसके अंतर्गत लगाया गया, ताकि भारत की जो टारगेट है 2022 तक कि हम 100 गीगावाट का सोलर पावर जनरेट कर पाए, उसको कंप्लीट किया जा सके। ये जो 100 गीगावाट सोलर पावर का टारगेट रखा गया, ये किस मिशन के अंदर रखा गया, नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत रखा गया, जिसको 2010 में लॉन्च किया गया था। अब ये नेशनल सोलर मिशन कौन से क्लाइमेट, जो पूरा सिस्टम था, MOU था, किसके अंडर साइन किया गया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या कहती है कि जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 445 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है छत्तीसगढ़ के लिए 2020-21 के लिए। तो 36 करोड़ को 2020-21 के लिए 445 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी जल जीवन मिशन के अंतर्गत। अब यह जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या है, जल जीवन मिशन है क्या कि भारत के हर घर में पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर पहुंच सके, इसके लिए 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। और एक जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है वो भी क्रिएट की गई थी 2019 में, आपको पता है ना। और जल शक्ति मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है वो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। कहाँ से, जोधपुर से, राजस्थान से सांसद है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ को ये 445 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि वो अपने जो उसका टारगेट है 100% फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन बाय 2023-24 उसको अचीव कर पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का टारगेट क्या है, 2023-24 तक 100% फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन लगाना। जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है 2024 तक, ठीक है। इसके तहत 445 करोड़ रुपए दिए गए हैं छत्तीसगढ़ को 2020-21 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज हमारी क्या है कि काई मोटर्स है जो, ठीक है, ये ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसने 54 मिलियन डॉलर का इन्वेस्ट है, निवेश करने का फैसला लिया है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके अंदर क्या होगा कि SUV व्हीकल है वो ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएंगे और उसको प्रमोट किया जाएगा राज्य के अंदर। अब जो ये काई मोटर्स ने ये इन्वेस्टमेंट के ऐलान किया है, घोषणा की है, ये आंध्र प्रदेश की मन पालना मीस सोचाना की जो योजना है उसके अंतर्गत किया गया है। ये इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश की स्कीम है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के जो CM है वो कौन है, YS जगमोहन रेड्डी जी। अमरावती इसकी प्रस्तावित जो कैपिटल है वो है विश्वभूषण हरिचंदन, क्या उन्हें यहाँ के गवर्नर हैं। और काई मोटर्स की बात आई है तो काई मोटर्स का हेडक्वार्टर है कहाँ पे, सियोल साउथ कोरिया में है, साउथ कोरिया की कंपनी है। और भारत के अंदर इसके हेड कौन है, प्रमुख कौन है, टाई जिन पाक जी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। कोंडा पुचामा सागर, ये एक रिजर्वियर बनाया गया है, कोंडा पुचामा सागर, जिसको मारकूक तेलंगाना के अंदर बनाया गया है। अब ये तेलंगाना के अंदर किस पर्पस से बनाया गया है, इरिगेशन के पर्पस से बनाया गया है।
और वहां के सीएम के चंद्रशेखर राव जी, तेलंगाना के जो सीएम है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसके साथ साथ ही ये जो रिजर्वियर है, जेकोंडा पचामा सागर है, ये ना केवल इरिगेशन बट जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, पेयजल है, उसकी सुविधा भी उपलब्ध कराएगा, ऐसा कहना है वहां के मुख्यमंत्री जी का। तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो के चंद्रशेखर राव जी हो गए, गवर्नर हो गए तमिल साई सुंदरराजन जी, और कैपिटल इसकी हैदराबाद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला हमारा सेक्शन है अपॉइंटमेंट्स का। अपॉइंटमेंट के सेक्शन में हमारी न्यूज है कि एक नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए हैं इंडिगो एयरलाइंस के। अब ये इंडिगो एयरलाइंस के नए स्वतंत्र जो निदेशक है, इनका नाम क्या है, वेंकट रमणी सुमंतरन है इनका नाम। और जो इंडिगो एयरलाइंस है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, स्थापना हुई 2006 के अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सेक्शन है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स के अंदर हमारी पहली न्यूज है, वाडा है जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसे 4 साल के लिए जो किरणजीत कौर है उनको बैन कर दिया है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर है भारत की, इनको बैन कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिए गए हैं इनके ऊपर। तो यहाँ के वाडा के जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो कौन है, सर क्रैग रेडी। और यहाँ के इसका हेडक्वार्टर का है वाडा का, मॉन्ट्रियल कनेडा के अंदर। और एस्टेब्लिश कब किया गया, 10 नवंबर 1999 को। जैसे वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ऐसे नाडा भी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये भारत की है नाडा, और वाडा वर्ल्ड लेवल की है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज के सेक्शन कौन सा है हमारा, ऑब्यूचरीज। ऑब्यूचरीज मतलब श्रद्धांजलि, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी पहली न्यूज क्या है कि एमपी वीरेंद्र कुमार, जिनका अभी निधन हो गया है, ये कौन थे, राइटर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, और राज्यसभा के एमपी भी रह चुके हैं। जो राज्यसभा के ये एमपी है, कौन से राज्य से रह चुके हैं, केरला से रह चुके हैं, लोकतांत्रिक जनता दल के मेंबर रहे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है योगेश गौर। योगेश गौर जी जो गीतकार हैं, जिन्होंने लिखा था कहीं दूर जब दिन ढल जाए, तो ये इनका ही रचना थी, इनका भी निधन हो गया है, इस बात का ध्यान रखिए, योगेश गौर कौन थे, गीतकार थे। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारी न्यूज है बेजन दारूवाला जी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई ये, ध्यान रखिएगा इस बात का। बेजन दारूवाला जी जो एस्ट्रोलॉजर हैं, इनका निधन हो गया है। ये 100 ग्रेट एस्ट्रोलॉजर जो बताया गया था हार्पर कॉलिंस के द्वारा, पिछले 1000 साल के अंदर जो 100 महान ज्योतिषी हुए हैं उनमें इनका नाम शामिल था, ऐसा मानना था हार्पर कॉलिंस का, जिन्होंने अपनी बुक द मिलीनियम बुक ऑफ प्रोफेसी प्रोफेसी के अंदर ये मेंशन किया था। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला सेक्शन है हमारे इंपॉर्टेंट डेज का। इसमें न्यूज है हमारी कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है जो 29 मई को हमने मनाया। तो ये 29 मई को हमने क्यों मनाया भाई, टैंजिंग नॉर्गे जो नेपाल से हैं, और एडमुड हिलरी जो न्यूजीलैंड से हैं, इन्होंने 29 मई को पहली बार जो एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, पहले इंसान थे ये दोनों, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइंब कर लिया था। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल में, हमारा पहला जो न्यूज है वो क्या है कि ब्रिक्स है जो उनका उनके हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज की जो मीटिंग हुई है, वो किसने होस्ट किसने किया, चेयर किसने किया, रशिया ने किया, क्योंकि रशिया इस टाइम ब्रिक्स का जो प्रेसिडेंट है। ब्रिक्स के मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, शंघाई चाइना के अंदर, और इसको 2006 में स्थापन किया गया था। लेकिन जब 2006 में इसकी स्थापना हुई तो ये ब्रिक कहलाता था, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, साउथ अफ्रीका को 2010 में इसमें शामिल किया गया था, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से, इन्होंने 732 मिलियन डॉलर का लोन देने को मंजूरी दे दी है बांग्लादेश को, ठीक है। IMF के बारे में, IMF के हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC US के अंदर। अभी इनके हेड कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जी जो बुल्गारिया से हैं, और चीफ इकोनॉमिस्ट IMF के जो भारतीय हैं, एक गीता गोपीनाथ जी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। IMF की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, जब वर्ल्ड बैंक की हुई, इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स के नाम से भी जानते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ कि लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, जो लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है, इसने अपनी उड़ान पूरी की है, एक
हाल ही में ही, तो इसका नाम क्या है, सेसाना कारवां, और इसमें 9 लोग बैठ सकते हैं, 9 सीटर है ये, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज हमारी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने 9वीं शताब्दी का, 9th सेंचुरी का एक शिवलिंग फाउंड कर लिया है, ढूंढ लिया है। ये कहाँ पे ढूंढा गया है, 4 टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर ढूंढा गया है इसको, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वियतनाम के अंदर। ठीक है, तो वियतनाम के अंदर ये 4 टेंपल कॉम्प्लेक्स है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, यहाँ पे शिवलिंग ढूंढा गया है 9th सेंचुरी का, 9वीं शताब्दी का, जिसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढा है। और ये जो 4 टेंपल कॉम्प्लेक्स है, इसको बनाया किसने था, इंद्र वर्मन 2 ने इसको बनाया, इंद्र वर्मन 2 जी ने इसको निर्मित किया था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, इसकी स्थापना 1861 को हुई थी। ठीक है, और जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हाल ही में एक न्यूज आई थी कि वी विद्याभट्टी जी जो इसके डायरेक्टर जिन्होंने बनाई गई हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और बात आई है वियतनाम की, वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी डोंग है। और यूनेस्को की भी बात आई है इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर। और भारत के अंदर 38 यूनेस्को साइट्स हैं, जिसके अंदर 30 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड साइट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वियतनाम का दोबारा सुन लो, कैपिटल हनोई है, करेंसी डोंग है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अब टाइम है रिवीजन का। रिवीजन के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला, केरल के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया था, विश्व मेहता को, विश्वास मेहता को नियुक्त किया गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, सो दैट सबको बेनिफिट हो सके इन वीडियोस का। अक्सर कहता हूँ नॉलेज बांटने से बढ़ती है। ठीक है, जितना आप दूसरों से शेयर करोगे उतनी आपकी बढ़ती जाएगी, ये कभी भी कम नहीं हो सकती, कोई आपसे इसको चुरा नहीं सकता। वंस अगेन थैंक यू।